WWE में रेसलर के सरप्राइज रिटर्न को क्या शानदार बनाता है? अच्छा, इसके लिए पहले तो किन्हीं भी हालातों में उस रेसलर के स्पेसिफिक रिटर्निंग मोमेंट के बारे में फैंस को नहीं पता चलना चाहिए, और दूसरा ये कि लौटने वाला रेसलर एक ऐसा रेसलर होना चाहिए जिसको फैंस सही तौर पर रिंग में वापस देखना चाहते हैं। WWE के इतिहास में कुछ बहुत ही शानदार वापसियां हुई हैं। 2008 के रॉयल रंबल में जॉन सीना की वापसी से लेकर 2020 के समर स्लैम इवेंट में रोमन रेंस की अचानक वापसी, ये वापसियां पूरी तरह से शानदार थी। बदकिस्मती से WWE ने कई बार कुछ रेसलर्स को लेकर फैंस की पसंद को समझने में गलती की है, जिसकी वजह से फैंस को कुछ ऐसे सरप्राइज रिटर्न्स देखने को मिले जिनमें उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम WWE की हिस्ट्री के 10 ऐसे ही सबसे डिसअपॉइंटिंग सरप्राइज रिटर्न्स देखने वाले हैं। उससे पहले ऐसे ही डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलिएगा मत। एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। नंबर 10, अल्बर्टो डेल रियो। 2015 में होने वाले हेल इन अ सेल पे पर व्यू के लिए काफी हलचल मची हुई थी। WWE ने इस शो में US टाइटल के लिए जॉन सीना के साथ एक ओपन चैलेंज मैच रखा था, और इस मिस्ट्री ओपोनेंट को लेकर फैंस में काफी बातें चल रही थी। लेकिन जब लोगों को ये पता चला कि ये सरप्राइज ओपोनेंट अल्बर्टो डेल रियो है, तो सब काफी हैरान हुए। डेल रियो ने एक साल पहले ही WWE छोड़ा था, और उन्हें वापस देखने की WWE की फैंस की कोई इच्छा नहीं थी। अजीब तो ये था कि डेल रियो को इस मैच में उनके ही पुराने राइवल जेब कोल्टर के साथ में लाया गया था, जिसका ना तो कोई सेंस बन रहा था और ना ही कोई एक्साइटमेंट। हालांकि मैच में डेल रियो ने जॉन सीना को हरा कर US टाइटल का खिताब अपने नाम कर लिया। इस बात से WWE के दर्शक काफी नाराज हुए, क्योंकि फैंस ये चाहते थे कि बिगी या सेमी जेन जैसे किसी नए रेसलर को जॉन सीना को हराकर ये टाइटल जीतना चाहिए था, पर इसकी जगह डेल रियो की वापसी ने फैंस को बहुत नाराज कर दिया। नंबर 9, द बिग बॉस मैन। बिग बॉस मैन प्रो रेसलिंग के इतिहास के सबसे बड़े आदमियों में से एक रहे हैं। उनका काम उनके फैंस को बहुत पसंद आया था, और ये उन चुनिंदा नामों में से एक है जिनके लिए माना जाता है कि ये अपने पूरे करियर में कम से कम एक बार तो WWE टाइटल जीतने के काबिल थे। इतने बढ़िया होने के बावजूद 2001 में हुई उनकी वापसी बहुत ज्यादा रैंडम थी, और सभी सोच रहे थे कि इस फॉर्मर हार्डकोर चैंपियन की अचानक से WWE में वापसी क्यों हुई। बॉसमैन की वापसी स्मैकडाउन के एक रैंडम एपिसोड में हुई, जिसमें वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और बुकर टी के मैच के बीच में आ गए। इनकी वापसी पर फैंस का कोई खास रिएक्शन नहीं मिला, जो काफी शर्मनाक रहा। बॉसमैन को WWE से भुलाने में ज्यादा समय नहीं लगा, और वो अपने आखिरी रन के ज्यादातर हिस्से के लिए संडे नाइट हीट में ही दिखे। नंबर 8, क्रिस मास्टर्स। 2009 में WWE ने क्रिस मास्टर्स को एक और बड़ा मौका देने का फैसला किया। उन्होंने रॉ में MVP के खिलाफ एक मैच में वापसी की, लेकिन उनके इस सरप्राइज रिटर्न की वहां मौजूद लोगों ने कोई परवाह नहीं की। उस वक्त कमेंट्री कर रहे माइकल कोल और जेरी लॉलर ने मास्टर्स की मौजूदगी को एक बहुत बड़ी बात बनाने की कोशिश की, लेकिन एरिना में मौजूद फैंस और टीवी पर मैच देख रहे दर्शकों की गैर दिलचस्पी ने इस रिटर्न को और फीका कर दिया। मास्टर्स के बचाव में बात करें तो उन्होंने कंपनी में अपने इस फाइनल रन के दौरान रिंग में अपने आप को बेहतर बनाने की खूब कोशिश की। हालांकि उनको अक्सर ही छोटे शोज में भेज दिया जाता था, जैसे कि सुपरस्टार्स, पर उन्होंने धीरे धीरे अपने पैर जमा ही लिए थे। नंबर 7, जैक स्वैगर। रेसलमेनिया 29 के दौरान WWE ने जैक स्वैगर को एक बड़ा पुश देने का फैसला किया, और इस बड़े पुश की शुरुआत हुई 1 फरवरी 2013 के स्मैकडाउन एडिशन में जैक स्वैगर के सरप्राइज रिटर्न के साथ। जब बुकर टी एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट के बारे में बात कर रहे थे, तब स्वैगर को अचानक उनको इंटरप्ट करते हुए दिखाया गया, लेकिन फैंस से कोई रिएक्शन न मिलने पर WWE को उस फुटेज के साथ नकली ऑडियंस के शो करने का ऑडियो लगाना पड़ा। फिर स्वैगर को एक कॉन्ट्रोवर्शियल कैरेक्टर के बदलाव के साथ मेन इवेंट में लॉन्च किया गया, जिसमें जेब कोल्टर को उनका मैनेजर बनाया गया। स्वैगर बाद में एलिमिनेशन चैम्बर का मैच जीतकर रेसलमेनिया 29 में वर्ल्ड टाइटल के लिए अल्बर्टो डेल रियो के साथ एक मैच खेलते हैं। ये एक अनयूजुअल रिटर्न रहा, क्योंकि WWE को लगा कि फैंस स्वैगर को इस कंपनी को टॉप गाय बनते देखना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल सच नहीं था। नंबर 6, एमा। 2022 में WWE क्रिएटिव का हेड बनने के बाद ट्रिपल एच ने बीते सालों में गलत तरीके से निकाले गए टैलेंट्स को वापस लाना अपना मिशन बना लिया था। इनमें से कुछ रिटर्न्स को तो फैंस से बहुत प्यार मिला, जैसे कि ब्रे वाइट और कैरिसन क्रॉस, लेकिन ट्रिपल एच के द्वारा कराए गए कुछ रिटर्न्स उतनी हलचल मचाने में कामयाब नहीं रहे। ऐसा ही एक सरप्राइज रिटर्न रहा एमा का, जो स्मैकडाउन में रोंडा राउजी का सामना करते हुए दिखी। एमा एक बहुत अच्छी रेसलर है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लोग या तो उनके बारे में
पूरी तरह से भूल चुके थे या तो उनको एमा के रिटर्न से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उस वक्त कमेंट्री कर रहे वेड बैरेट ने एमा के रिटर्न को एक बहुत बड़ी बात बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। एमा का राउजी से अपना रिटर्न मैच हार जाना भी उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं रही और लोगों ने ये मान लिया कि एमा बस दूसरे टैलेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए वापस आई हैं। नंबर 5, हिट रो। 2022 में सरप्राइज रिटर्न्स की बात करें तो सबसे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स में से एक रिटर्न रहा हिट रो का। 2022 की गर्मियों में हिट रो की वापसी हुई। शुरुआत में तो एंट्री म्यूजिक सुनकर फैंस में थोड़ी एक्साइटमेंट बनी, लेकिन कुछ देर में ही फैंस को समझ आ गया कि इस ग्रुप के पुराने लीडर इसाया सर्व स्कॉट अब AEW रोस्टर का हिस्सा बन चुके हैं। फैंस ने ट्रिपल एच के इस ग्रुप जिसमें अब टॉप डॉला, बी फैब और अशांते दी एडोनिस ही बचे थे को वापस लाने के फैसले पर तुरंत सवाल उठाए। हिट रो को एक बेबी फेस के तौर पे वापस लाया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से असफल साबित हुए, जिसकी वजह से अपने रिटर्न के कुछ महीनों बाद ही WWE को इस ग्रुप को हील बनाना पड़ा। नंबर 4, द ब्रिटिश बुलडॉग। एटीट्यूड एरा जब अपनी ऊंचाइयों पर था, तब WWE ने द ब्रिटिश बुलडॉग को वापस लाने का एक साहसिक फैसला लिया। अपने शुरुआत के दिनों में बुलडॉग बहुत फेमस थे, लेकिन एटीट्यूड एरा अपने आप में ही एक बिल्कुल अलग टाइम था और बुलडॉग को इस एरा में अपनी जगह बनाने में काफी दिक्कतें आ रही थी। बुलडॉग का सरप्राइज रिटर्न स्मैकडाउन में बिग बॉस मैन के साथ एक मैच में हुआ। WWE को पूरी उम्मीद थी कि बुलडॉग के लिए फैंस खड़े होकर तालियां बजाएंगे, लेकिन इस रिटर्न को लेकर फैंस का रिएक्शन काफी कमजोर रहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको पता ही नहीं था कि ब्रिटिश बुलडॉग है कौन। WWE ने बुलडॉग की प्रेजेंटेशन को बेहतरीन बनाने के लिए उनको नया थीम म्यूजिक और नया वेश भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बुलडॉग ने द रॉक और ट्रिपल एच जैसे बड़े रेसलर्स के साथ भी काम किया, लेकिन वो भी एटीट्यूड एरा की ऑडियंस का बुलडॉग में कोई इंटरेस्ट नहीं जगा पाए। बुलडॉग पहले से ही कुछ इंजरीज से दिक्कतों में थे और इससे रिंग के अंदर उनका परफॉर्मेंस भी खराब हो रहा था। बुलडॉग को पहले काफी अच्छे मैचेस मिले, लेकिन आखिर में उनके मैचेस के 90% मैचेस खराब ही रहे। नंबर 3, द ग्रेट खली। इस बात की पहले भी बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि कैसे 2017 में जिंदर महल का WWE टाइटल जीतना किस तरह बहुत सारे फैंस का उनसे दूर होने का कारण था, पर बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में रैंडी ऑर्टन के साथ हुए पंजाबी प्रिजन मैच ने इस जीत के सभी समस्याओं को उजागर कर दिया। ये मैच बहुत बुरा रहा और एक मेन इवेंट स्लॉट का मैच तो बिल्कुल नहीं लगा। इस मैच में द ग्रेट खली का एक सरप्राइज रिटर्न भी शामिल था, जो इस मैच में महल की मदद करने आए थे। अजीब बात ये रही कि खली की एंट्री महल के थीम सॉन्ग पर हुई, जो पूरी तरह से प्रोडक्शन की गलती रही, लेकिन उसने फैंस को जरूर कंफ्यूज किया। खली के रिटर्न ने इस मैच को और भी खराब बना दिया, क्योंकि खली की परफॉर्मेंस काफी खराब रही। इसने WWE फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं खली अब WWE का फोकस न बन जाए। शुक्र है खली की ये वापसी सिर्फ एक रात की बात थी, जो कि सही भी था, क्योंकि 2017 में खली के लिए WWE में एक सही जगह ढूंढना WWE के लिए बहुत दिक्कत की बात होती। नंबर 2, रोंडा राउजी। WWE में रोंडा राउजी की शुरुआत सभी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। पेपर व्यू में उनके बहुत शानदार मैचेस देखने को मिले और ऐसा भी कहा जा सकता है कि राउजी का शामिल होना WWE में विमेन रेसलिंग को आगे बढ़ाने के लिए काफी फायदेमंद रहा। लेकिन 2022 के रॉयल रंबल में राउजी की वापसी से फैंस को इतनी खुशी नहीं हुई। विमेन्स रंबल के दौरान नंबर 28 पर राउजी का आना और जीतना पूरी तरह चौंका देने वाला था, लेकिन WWE को फैंस के द्वारा राउजी की वापसी पर मिला रिएक्शन खास पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि फैंस पूरी तरह से राउजी के WWE स्टार होने से मूव ऑन कर चुके हैं। राउजी की परफॉर्मेंस को भी काफी क्रिटिसिज्म मिला। राउजी के मूव्स काफी पुराने और स्लो हो चुके थे और उनका कैरेक्टर वर्क भी बहुत उलझा लग रहा था। राउजी ने WWE को विमेंस डिवीजन की एक टॉप हील के रूप में छोड़ा था, लेकिन अब वो अचानक बेबी फेस बनकर आई और उनके बेबी फेस बनकर आने के पीछे कोई भी सही कारण नहीं बताया गया, जिस वजह से फैंस को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पे कैसे रिएक्ट करे। नंबर 1, नाया जैक्स। WWE में अपने पहले रन के दौरान नाया जैक्स दुनिया की सबसे पॉपुलर रेसलर तो नहीं रही, बल्कि उन्होंने रिंग में एक अनसेफ प्लेयर की छवि जरूर बनाई और सोशल मीडिया पर उनकी हरकतों की वजह से फैंस उनको और भी ना पसंद करते थे। लेकिन 2023 के विमेंस रॉयल रंबल मैच के दौरान WWE ने जैक्स की वापसी का चौंका देने वाला फैसला लिया। मैच में नंबर 30 पर अतरंगी फैशन में उनका आना एक बड़ा सरप्राइज था। उनके रिटर्न के दौरान प्रोडक्शन टीम ने काउंटडाउन से पहले ही उनका थीम सॉन्ग बजाकर एक गलती भी कर दी थी। नाया की वापसी फैंस के लिए काफी निराशाजनक रही, क्योंकि उनको ये कमबैक नहीं चाहिए था और नंबर 30 जैसे सम्मानित स्पॉट पर ये वापसी तो सवालों के घेरे में थी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे टॉप 10 डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स ऑफ WWE। कमेंट करके वीडियो के बारे में जरूर बताना और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।